झाबुआ शहर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिजली के तारों को काट और ज्वाइंट को खोल दिया जाता है, जिसमें घर की लाइट बंद हो जाती है। तार काट जाने और बिजली बंद किए जाने की विभाग द्वारा पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती है। कनेक्शन कट जाने पर जब नागरिक विद्युत विभाग पहुंचते हैं तो बिजली विभाग के कर्मचारी केबल के एवज में पैसे मांगते हैं। मामला झाबुआ के वार्ड नंबर 17 का है। यहाँ के रहवासियों को 26 से 30 घंटे बिना बिजली के रहना पड़ा। उपयंत्री उमाशंकर पाटीदार का कहना है कि उनकी लाइट को तुरंत दुरुस्त किया जाएगा और किसी फॉल्ट के चलते लाइट बंद हो गई थी। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोजा की रिपोर्ट। पैसे मांगने हमसे बोला कि लाइट चालू करवाने के लिए, हमारी लाइट कल सुबह 8 बजे से ही बंद है। हमने पूछा था, हम सोच रहे थे कि लाइट सुधर रही होगी इसलिए बंद है। फिर हमने वेट किया, बहुत देर हो गई, फिर हमने कॉल किया तो बोले कि तुम्हारे खंबे से लाइट काट दी गई है, जेलर को प्रॉब्लम थी इसीलिए। तो हमने बोला तो चालू कितने बजे, तो बोले हमेशा के लिए काट दी गई है, अब पता नहीं कब लगेगी लाइट। और हमने बोला तो चालू करो, तो ये बोले कि केबल के पैसे दे दो, हम लोग चालू कर देंगे। लाइट बिल का भुगतान कर रहे हो? हम हमेशा, और हमारा बिल चेक कर सकते हो। किसके दबाव में काटी गई? जेलर वगैरह के दबाव में, हमें बोला जेलर के द्वारा काट दी गई है लाइट। पहले आपको बताया था कि लाइट काट रहा है? नहीं, सूचना, कोई सूचना नहीं है हमारे पास कि लाइट काट दी गई। पैसे किस चीज के मांग रहे हैं? केबल के, बड़ी केबल के पैसे मांग रहे हैं। दो खंभों के बीच जो केबल लगा? हाँ, वो वाली। जिसने मांगे उसके नंबर वगैरह कुछ है? नाम वगैरह है ना, हमने लिख के आवेदन में। जो लाइट काटना है उनके द्वारा आपको क्या कहा गया? लाइट काटना है, हमें पता ही नहीं था। हमें तो लग रहा लाइट सुधार रहे, पर हमें ये नहीं पता था कि वो लाइट हमेशा के लिए काटने की सूचना नहीं थी क्या? कोई सूचना नहीं हमारे पास। आपका नाम और एड्रेस बताओ। निशा चंदेल, जिला जेल के पीछे। ये कल सुबह 8 बजे से हमारे जो खंबे के दो तार, तीन तार आते हैं दोनों खंबे के बीच के, उसको काट दिया गया और हमारी लाइट कल 8 बजे से बंद है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या बोला गया है साहब के द्वारा? साहब के द्वारा अभी तो कुछ नहीं बोला गया है। कल इनके कर्मचारी द्वारा क्या बोला कि आपका खंभा ये अलग कर दिया गया है, काट के फ्री कर दिया इसको, और इसकी केबल डलवानी है आपको 200 फीट, तो आपको ये केबल का भुगतान करना पड़ेगा और आपको वहाँ तक बिछा के भी देना पड़ेगा। अब इसका जो आपके मीटर लगे हुए जितने लोगों के, सबको भुगतान कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। रेगुलर ही हमारे पास बिल है उसका बेकायदा। आपका नाम और एड्रेस? मेरा नाम राकेश केवड़ है, जिला जेल के पीछे रहता हूँ। जी सर, क्या कारण रहा कि जो लोग नियमित बिल भरते हैं उन्हें भी एक दिन से ज़्यादा, 24 घंटे से ज़्यादा बिना लाइट के रहना पड़ रहा है और वो शिकायत लेके यहाँ पहुँचे? अभी सुबह में कुछ लोग जेल के आसपास के क्षेत्र के यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी बिजली बंद है। जब स्टाफ से इसकी जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया कि कुछ फॉल्ट वगैरह होने के कारण तार वार टूटने का कुछ एरिया में हुआ था। इसको चूँकि कंप्लेन लेट में प्राप्त हुई थी तो रात में शायद वो लोग नहीं कर पाए, मॉर्निंग में इसको अभी मैंने स्टॉक पहुँचा दिए, वो देख के और जैसा भी तरीके इशू होगा उसमें उसको सॉल्व कर देंगे। सर, आए हुए व्यक्तियों ने आरोप लगाया है कि लाइन मैन द्वारा पैसे मांगे गए हैं लाइन की आवाज में, वायर की आवाज में। ऐसी कोई भी जो जानकारी अगर गोपाल दी गई है तो उसके बारे में विवरण नहीं दिया है। ऑफिस में भी उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया है, ना ही वो उसको जस्टिफाई कर पाए हैं। वहाँ केबल वगैरह जो उपभोक्ता की थी, केबल चूँकि उपभोक्ता के हिस्से में ही होती है और खुद को ही मैनेज करना पड़ता है, खुद ही उपभोक्ता अपने स्वयं के वे से ही अपने घर तक स्थापित कराते हैं जो भूमि कर के लिए लगती सर्विस केबल। सर्विस केबल चूँकि उपभोक्ताओं की पोल तक शायद वहाँ नहीं पहुँच पा रही होगी, उसी के चलते सर्विस केबल जो है उपभोक्ता को ही अपने स्तर से लेकर आना होती है। और चूंकि वहाँ देखा, मैंने पता करवाया है तो कुछ सर्विस केबल लंबे समय से डैमेज भी हैं, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह या जो बिजली की तार वार टूटने से वहाँ कोई खतरा भी होना संभावित है, जिसके चलते क्योंकि उपभोक्ता का पार्ट है तो उपभोक्ता को ही वो सर्विस केबल को लेकर आना पड़ता है। जैसा आप बता रहे हैं इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर, एक साथ 6 व्यक्तियों के घर की लाइट चल जाती है, इसको आप क्या कहेंगे कि काटा जाना या गलती से या फॉल्ट? एक्चुअली में मुझे अभी सुबह में इसकी जानकारी मिली है, उपभोक्ता भी यहाँ आए थे, उनसे जानकारी मिली तो पता चला कि वहाँ जो पोल है वो पानी बारिश के कारण झुक गया था, जिससे कि कुछ फॉल्ट वगैरह होने से शायद वहाँ की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई, जिसको अभी दुरुस्त करने के लिए। उपभोक्ता का एक और आरोप है सर कि जेलर के कहने पर आपने लाइन काटी है, क्या कहना? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्यों आए थे यहाँ? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।